लाभ यही मिल रहा है कि दवाइयाँ सस्ते मूल पे सही दवाइयाँ मिल रही हैं, तो उससे बहुत लाभ मिल रहा है। और दवाइयाँ मार्केट में तो बहुत ही महंगी हैं। मेरा तो ख्याल तो यह है कि दवाइयों के मूल्य जितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इतने ज़्यादा और किसी भी चीज़ के बढ़े हुए नहीं हैं। तो अगर ये केंद्र जो खुल गए, इनसे तो बड़ी राहत मिली। मैं तो रेगुलरली यहीं से लेता हूँ, जितनी जहाँ तक उपलब्ध हो पाती वहाँ तक। सुना आपने, आम जनता को ये राहत सिर्फ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर मिल रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मौजूद इस जन औषधि केंद्र के संचालक अनीश तिवारी हैं। आइए जानते हैं कि वो इस योजना से कैसे जुड़े। 4-5 महीने पहले पेपर में देखा था और अप्लाई किया था। कुछ कोई परेशानी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई किया था और काफी कंफर्टेबली मिल गया था। इस जन औषधि केंद्र के खुलने के बाद यहाँ पहुँचने वाले ग्राहक कितने संतुष्ट हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर रेट मार्केट से बहुत कम है। नहीं है तो अच्छी है योजना, लाभ तो मिलेगा ही लोगों को। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बचत हो रही है इसमें तो। तीनों दवाई में तो हमको जरूर बचत हो रही है। इन औषधि केंद्रों पर दवाओं के रेट तो कम है ही, साथ ही जो ग्राहक यहाँ एक बार आता है वो दूसरों को भी यहीं से ले जाने की सलाह देता है। बहुत फायदे हैं सर आम जनता को। एक एक आदमी का जो बजट 180 रुपये होता था, 18 रुपये आ गए, मतलब 9 गुने 10 गुने तक सस्ती दवाएं मिल जाती हैं। कम से कम 50% तो होता ही होता है, तो बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बहुत ही सक्सेसफुल योजना है और हर कोई, मतलब हमारे यहाँ कस्टमर्स जो आते हैं, इतना खुश होके जाते हैं। केंद्र सरकार को बधाई दे के, नरेंद्र मोदी को बधाई दे के, और बहुत सारे कस्टमर आते हैं, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की शुरुआत जहां जहां हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और महंगी दवाओं के बजाय उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।